व्रत में कहा जाता है संजय जी के व्रत आप निर्जला रखें तो आपको बेहद लाभ मिलता है। साथ ही व्रत के नियमों में एक बात ये भी कही गई है कि आप रात भर जागे, रात्रि जागरण करें तो भी आपको बेहद लाभ मिलता है। व्रत में आपको रात को सोना नहीं चाहिए, ऐसा किस लिए? जी देखो, सबसे पहले व्रत का अर्थ समझें कि व्रत क्या है। व्रत का अर्थ है कि आप एक संकल्प ले रहे हैं जीवन में कि भगवान के प्रति आप जो है निराहार रह करके और भगवान की जो है भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि भगवान जो है निज है, सर्वव्यापक है, ब्रह्म है, वेद स्वरूप है और निर्गुण है, अनंत है और ज्ञान में है। जिस प्रकार से आकाश के समान हम भगवान शिव जो है हर जगह व्याप्त है, तो उनको सब मालूम है कि कौन व्यक्ति किस श्रद्धा भक्ति और भाव से जो है संकल्प लेकर के और मेरा व्रत कर रहा है। और रात्रि जागरण का अर्थ यह है कि जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो उसमें आप भक्ति और श्रद्धा से भगवान में होकर के, शिव में होकर के शिव की भक्ति करते रहें। और रात्रि जागरण का अर्थ होता है कि आप भगवान जिस वक्त भगवान का विवाह हो रहा है उस सम्मेलन में आप सब सम्मिलित हैं और उसमें भगवान शिव की उपासना आप कर रहे हैं। और निराहार रहने का मतलब है जब आप खा पी लोगे तो आपको नींद आना शुरू हो जाएगी, तो निराहार रह करके और शिव की भक्ति की जाए तो ये तप है एक तरीके का। उस तप को संकल्प लेकर के और भगवान को अर्पित करें और व्रत रखें और अपने मन में संकल्प लें कि हम ईश्वर के प्रति इसको समर्पित कर रहे हैं। और व्रत करने से आपके जीवन में बहुत ज्यादा लाभ होता है। आपको कोई भी शारीरिक कष्ट हो जीवन के अंदर, उस कष्ट से भी मुक्ति मिलती है। तो ये जो दिन है बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन माना गया है और इस दिन भगवान शिव का विवाह भी हुआ था और भगवान स्वयं प्रकट भी हुए थे शिवलिंग के रूप में। और इस दिन अगर आप पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, संकल्प करते हैं, निराहार रहते हैं और भगवान का ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो उससे काफी ज्यादा लाभ मिलता है। और भगवान शिव को आप बारंबार प्रणाम करते हैं और इस दिन महामृत्युंजय मंत्र का जो संपुट मंत्र है, ओम हूं जुम सा, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्युर्मोक्ष्य मामृतात् स्वः भूय भूः स्यः जुम हूं ओम। तो कहते हैं कि आपकी मृत्यु टल जाती है जब आप भगवान का संकल्प लेते हैं, तो आप जो है मृत्यु जो है आपका शरीर कष्ट भी टल जाता है और आप जो है एक तरीके से अमृतत्व को प्राप्त होते हैं। आपका शरीर जो है स्वच्छ हो जाता है और आपकी बॉडी जो है डिऑक्सीफाइड हो जाती है, जिससे कि जी आपके अंदर जितने प्रकार के रोग हैं उनसे भी आपको जो है निवृत्ति मिलती है और भगवान शिव की पूर्ण कृपा आपके जीवन के ऊपर बन जाती है। तो ये दिन जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। और कहते हैं शिवरात्रि हमारे जीवन में जो जब आती है, उस दिन अगर आप पूरी श्रद्धा और भक्ति से शिव में हो जाएं, तो भगवान शिव की अनंत कृपा हर व्यक्ति, जीव जंतु, पशु पक्षी सबके ऊपर होती है। और ये हमारे जीवन में एक तरीके का प्राकृतिक दिवस भी है, जो हमारी प्रकृति और नेचर में भगवान शिव को देखें कि उनके माथे पे द्वेंदु चंद्रमा है, जो दोज का चंद्रमा है। जी भगवान शिव के गले में जो आप देखें सर्प है, हाथ में कमंडल है, त्रिशूल है, तो ये क्या है, सब भगवान जो एक शक्ति और सामर्थ्य और वाघाम्बर हैं, उन्होंने वाघ का अंबर पहना हुआ है। तो भगवान शिव की भक्ति जो लोग करते हैं, तो भगवान शिव जो है वैराग्य से जो है ग्रस्त की तरफ प्रवेश कर रहे हैं आज के दिन। और आज का दिन हमारे जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण है और जी चलिए शक्तिशाली है। और देखिए, आज के कहते हैं दिन कि जो तन भी और मन व्रत से संकल्प आप सकारात्मक करते हैं होकर अगर आप उससे भी भक्ति कुछ भाव में लाभ लीन रहता हो है। जाते हैं शिव भगवान, तो प्रसन्न हो ही जाते हैं।